अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साहिल टीवी न्यूज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जून 2021 को सऊदी सिविल एविएशन गाका ने एक सर्कुलर जारी किया था, तो नाज़रीन कल से ही कुछ खबरें चल रही है कि 16 जून 17 जून या 21 जून से सऊदी फ्लाइट्स बहाल हो रही है, क्योंकि सर्कुलर में भी 16 जून का जिक्र किया गया है। तो इस पर बात करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे, ताकि आपको सऊदी अरब से मुतल्लिक हर खबर जल्द से जल्द मिलती रहे। तो बढ़ते हैं खबर की तफसील की जानिब। तो नाज़रीन, सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें तमाम एयरलाइंस को सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाने का कहा गया और कहा गया कि 16 जून से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। तो अब क्या फ़्लाइट्स बहाल होने वाली है, क्योंकि पीआईए के नोटिस में भी 13 इदारों में काम करने वाले अफराद को सऊदी अरब वापस लाने की इजाज़त मिल चुकी है। तो नाज़रीन, पीआईए के नोटिस से ये तो साबित हो गया कि सऊदी अरब वापसी की शुरुआत हो चुकी है, मगर सऊदी सिविल एविएशन गाका के सर्कुलर में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि 16 जून, 17 जून या 21 जून से फ़्लाइट्स बहाल हो रही है। लेकिन चूंकि सऊदी अरब वापसी की शुरुआत हो चुकी है, तो हो सकता है कि 17 जून या 21 जून तक फ़्लाइट्स बहाल हो जाए, मगर ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और अगर ऐसी कोई ख़बर आती है तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।